मुरादाबाद में बीती रात हुए एनकाउंटर में पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुरादाबाद में काशीपुर तिराहा के पास पुलिस और बदमाश का आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाश ने पुलिस चेकिंग को देखकर भागने की कोशिश की और जब पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। द्वारा पीछा करते हुए देखा गया तो उस व्यक्ति ने एक कच्चा रास्ता जो कि हकीकत नगर की तरफ जा रहा है उस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लिया गया। कच्चा रास्ता होने के कारण गाड़ी जो है वो कुछ झटके खाकर रुक गई और उस व्यक्ति द्वारा गाड़ी से निकलकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई और घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। दो फायर पुलिस टीम पर किए गए। पुलिस टीम द्वारा ऑट लेते हुए और अपनी आत्मरक्षार्थ एक फायर उस अभियुक्त पर किया गया जो कि उसके पैर में लगा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए बदमाश का नाम उस्मान है और मुरादाबाद मेरठ समेत कई जिलों की पुलिस को उसकी तलाश थी। मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, मुरादाबाद। अम्बेडकर नगर में एटीएम लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लूट का ये आइडिया सोशल साइट से हासिल किया। हालांकि बदमाश लूट में तो नाकाम हो गए लेकिन सोशल साइट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी में बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं उसकी एक पानगी अम्बेडकर नगर के अकबर पुल इलाके में देखने को मिली जहाँ बदमाश पूरा एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। खास बात यह रही कि इन बदमाशों ने लूट का ये तरीका सोशल मीडिया के जरिए सीखा था लेकिन इसे इन बदमाशों की बदकिस्मती ही कहिए कि फरार होते वक्त पुलिस ने इन्हें घेर लिया। HDFC का ATM लगा हुआ है, इसको कुछ अज्ञात बदमाशों ने उखाड़ने के प्रयास बल्कि उखाड़ी ले गए और एक गाड़ी में लाते इसको ले जा रहे हैं। तभी सूचना मिली, संभव है कि जगह हो गई और पुलिस की संभव गाड़ी भी उधर से निकल रही, उसमें ATM छोड़ के भाग खड़े हुए। गनीमत ये रही कि ATM में रखी 25 लाख की रकम पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया है, साथ ही लूट में इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर ली है। लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल वाकई प्रशासन के लिए खतरे की घंटी है। भूपेंद्र उपाध्याय, न्यूज स्टेट, अम्बेडकर नगर।